चाहते हैं कि एक प्रेस रिलीज के जरिए सरकार ने कहा है कि बोर्ड एग्जाम्स 12वीं के लिए जो 4 मई से 14 जून तक होने वाले थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है, और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो एग्जाम्स हैं उनको पोस्टपोन कर डिसीजन लिया गया है। आगे पहली जून को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि एग्जाम्स कब होने हैं। बच्चों को 15 दिन का नोटिस भी दिया जाएगा इन एग्जाम्स को फिर से करवाने के लिए। जहां तक 10वीं क्लास की बात है, जिनके एग्जाम्स 4 मई से 14 जून को होने थे उनके लिए एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं, ये सरकार का कहना है। 10वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं अब उनको एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के तहत ग्रेड किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इस ग्रेडिंग से आश्वासित नहीं होंगे या खुश नहीं रहेंगे उनको पर पर्सन बेसिस पे बाद में रिव्यू किया जाएगा। तो फिलहाल बढ़ते कोविड केसेस के चलते सरकार का बड़ा निर्णय, 12वीं के एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए हैं और 10वीं के फिलहाल कैंसिल कर दिए गए हैं। नवजोत, बिल्कुल। अब इसमें मिलन, देखिए बड़ी बात यह भी है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री से लेकर एचआरडी मिनिस्ट्री तक को खत लिखे गए थे। अब दो बातें, पहली बात 12वीं को टाला गया है, 12वीं की परीक्षा को 1 तारीख को 1 जून को रिव्यू मीटिंग होगी और उसके बाद अगला डिसीजन आएगा। लेकिन दूसरी बात, अगर हम 10th की परीक्षाओं की बात करें जिनको फिलहाल रद्द कर दिया गया, और ऐसे में जो आगे जाकर असेसमेंट प्रोसीजर होगा, क्या उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस का अपडेट मिला है? जी देखिए, फिलहाल सरकार के लिए भी ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं बढ़ते कोविड केसेस के चलते काफी राज्य सरकारों ने यहाँ पर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, शिक्षा मंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री को भी लिखा था कि ये एग्जाम्स किसी तरीके से पोस्टपोन या कैंसिल होने चाहिए। जहाँ तक कि 10वीं के बच्चों का सवाल है नवजोत, अभी सरकार ने यही कहा है कि कोई भी छात्र या छात्रा जो 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले थे उनका एक अलग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के तहत मार्किंग की जाएगी और उनको ये मार्किंग अलॉट की जाएगी इस बेसिस पे कि उनको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। इस पर फिलहाल सरकार अब काम कर रही है। अभी फिलहाल जो शिक्षा मंत्री हैं वो अधिकारियों से मीटिंग ले रहे हैं, उसमें ये सारी गाइडलाइंस नियुक्त की जाएंगी और एक बारी बता दिया जाए फिर सीबीएसई के तहत जितने भी स्कूल हैं पूरे देश में 10वीं की कक्षा के बच्चों को कैसे ग्रेड करना है उस पर निर्णय लेकर उनको बता देगी। लेकिन जो अभिभावकों का डर ये था कि बच्चों को कैसे एग्जाम में भेजा जाए वो थोड़ा कम होता अब नजर आएगा शायद, क्योंकि बढ़ते कोरोना केसेस के चलते ही सरकार ने ये इतना बड़ा निर्णय इस वक्त लिया है। नवजोत, बिल्कुल, तमाम राज्यों की तरफ से भी लगातार लेटर्स दिए गए थे और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मिलन ये बहुत अहम बैठक हुई है। इसके अलावा इस बैठक में और कुछ अहम डिसीजन जो आप बताना चाहें? देखिए नवजोत, फिलहाल जो प्रधानमंत्री से मीटिंग ली गई थी उसमें राज्य सरकारों की चिट्ठी को लेकर और किस तरीके से सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं उसको संज्ञान में लेकर चर्चा की गई थी। उसमें कहा गया था कि किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे की जिंदगी पर, जो आगे आने वाली जिंदगी है परीक्षाओं के बाद, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि सरकार पहले से ही इस बात को सामने रख रही है, सीबीएसई और एग्जाम्स और बच्चों के प्रति सरकार बहुत ही सजग रही है, पहले से ही निर्णय और कदम उठाती रही है, ये सारी चीजें मीटिंग में डिस्कस हुई थी और इसी के चलते नवजोत ये जो निर्णय है ये लिया गया है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सरकार के लिए बहुत अहम है। और राज्य सरकारों ने भी जब लिखा था सरकार को तो उन्होंने ये चिट्ठियां संज्ञान में ली थी। इसके चलते अब 12वीं के जो परीक्षाएं हैं पोस्टपोन होती हैं, ये निर्णय भी इस मीटिंग में लिया गया और आगे की गाइडलाइंस नवजोत जैसे ही हमारे पास आती है हम आप तक बताते रहेंगे। बिल्कुल मिलन, लगातार हमारे साथ।